हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बादल मैं तो आज मैं आप लोग के लिए नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो दोस्तों, आज हमारी YouTube की सबसे पहली पेमेंट आ चुकी है। आज नहीं आई है, मेरी पहली पेमेंट कब आई थी, 30 जून को आई थी मेरी पहली पेमेंट। तो उस दिन जब मेरी पहली पेमेंट आई तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। तो दोस्तों, मैं आप लोग को मैं बता दूँ कि वो मेरी पहली पेमेंट नहीं है, वो मेरी आप लोगों द्वारा दी गई गुरु दक्षिणा है। मैंने आप लोगों को जितना भी कुछ ढोलक के बारे में सिखाया, अगर मेरी वजह से कुछ भी आप अगर थोड़ा बहुत भी सीख पाए हैं, और मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को अच्छी तरीके से सिखाऊं, तो वो गुरु दक्षिणा के रूप में मेरे पास वो पेमेंट आई है। मैं नहीं कहता कि YouTube ने मुझे पैसे दिए, YouTube ही है जो है, वो YouTube कुछ नहीं है मेरी नज़र में आप हैं, आप लोगों का प्यार है, इस वजह से आज मैं आप लोगों के पास खड़ा हूँ। और आज हमारी दूसरे चैनल पे 10,000 की नहीं 11,000 की फैमिली हो चुकी है, तो उसे हम फैमिली ही कहेंगे। और आपने जो प्यार दिया मेरे चैनल्स पे, जो ऐड आते हैं छोटे छोटे, उन एड्स को आप ही देखते हैं, जिसकी वजह से पैसे जनरेट होते हैं। तो वो पैसे आया है मेरा पहले 30 तारीख को, जून को आया था। तो मैं आज वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि कैसे मेरे को पैसे आए, कितना टाइम लगा मेरे को, और क्या क्या परेशानियाँ मुझे झेलनी पड़ी। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि मेरा पेमेंट कब आया, आप लोग को मैं बता चुका हूं कि 30 जून को आया, लेकिन मैंने अपना यूट्यूब चैनल कब स्टार्ट किया था, मैंने वो दूसरा वाला जो, ये तो मेरा दूसरा चैनल है। तो मैंने जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, मेरा चैनल अगर आप जाके देखेंगे तो नीचे तो लिखा होगा कि 2020 और कुछ दूसरी डेट दे रखी हुई, लेकिन ये चैनल तो मेरा था जिसमें मैं नॉर्मल वीडियोस देखा करता था, जैसे आप लोग चैनल पे मेरी वीडियोस देखते हैं अपने चैनल से, वो भी आपका चैनल ही है, और मैं भी ऐसे ही देखा करता था। तो मैंने सोचा कि वीडियोस बनाई जाए अब, तो मैंने आज से कम 7 या 8 महीने पहले मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट की थी। तो ज़्यादा कुछ नहीं, छोटी मोटी वीडियोस बनाया करता था, एक बना दी महीने में, 2 महीने में, 3 महीने मैंने लगातार 3 वीडियो डाली थी, 3 महीने में 3, और वो भी उल्टी सीधी वीडियो डाली थी। तो लेकिन मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई कि एक वीडियो थी जो मेरी, वे मेरे 1.5K व्यूज़ आ गए। मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी, शॉर्ट वीडियो का उस वक्त का आ गया था यूट्यूब पे, तो मेरे 1.5K व्यूज़ आ गए और लोगों ने मेरा चैनल देखना स्टार्ट किया। तो कुल मिला के दोस्तों, मेरा जो यूट्यूब का पेमेंट था कितने दिन में आ गया, तो मेरा चैनल मोनिटाइज फरवरी को हुआ। मैंने जनवरी से मैंने स्टार्ट किया था, जनवरी या दिसंबर से मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था वीडियोज़ बनाना, तो मेरा फरवरी को मेरा चैनल मोनिटाइज होगा 1 या 2 महीने के अंदर में मेरा चैनल पूरी अच्छी तरीके से मोनिटाइज भी हो गया, 1,000 का वॉच टाइम भी पूरा हो गया। मेरे को लगा नहीं था कि, पता नहीं भगवान की कृपा है कि आप लोगों की कृपा है कि इतनी जल्दी मोनिटाइज हो गया। लोगों को मैंने कहते सुना कि 2-2 साल 3-3 साल लग जाते मोनिटाइजेशन होने में भी। और तो और बात और सुनिए, इसमें क्या हुआ, 1 महीने में मेरा मोनिटाइजेशन हो गया फरवरी को, 1 से 1.5 महीने लगा, और आप मान लीजिए जून को मेरा पेमेंट आ गया, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 4 महीने के अंदर में मान लीजिए मेरा पेमेंट आ गया। और लोग बताते कि हमारा पेमेंट 2-2 साल 2.5-2.5 साल लग जाता है, तो ये आप ही लोगों की कृपा है जी कि मेरा यूट्यूब का पेमेंट इतनी जल्दी आ पाया। और इतनी खुशी हुई मेरे को जब जैसे ही मेरे बैंक अकाउंट में आया पैसा, तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो दोस्तों, आप लोग जानना चाहते होंगे कि मेरी पेमेंट कितना आया है, तो दोस्तों YouTube के रूल्स के हिसाब से तो मैं पेमेंट नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि Realme Narzo 20 जो मोबाइल है, उसको आप Google पर जाके सर्च कीजिएगा, उतनी मेरी पेमेंट आई है। तो ये रूल्स के खिलाफ है कि मैं आप लोगों को नहीं बता सकता पेमेंट, अगर जाके आप चेक करेंगे तो उतनी पेमेंट मेरी आई है। और आज 10 दिन कंप्लीट हो गया, और अब पेमेंट मेरी 4 महीने में आई थी, अब मेरी पेमेंट 2 महीने के अंदर में आ जाती है, क्योंकि देखिए दोस्तों 1 महीने में भी आ जाती, लेकिन इस बार जो मेरी पेमेंट आई थी थोड़ी ज़्यादा आ गई थी, इस वजह से अगले अब दूसरे महीने में आ गया, क्योंकि $100 कंप्लीट होता है तभी आता है। तो इस महीने मेरे $100 कंप्लीट नहीं हो गए, कुछ $2-3 की वजह से आगे पीछे हो रहा है, तो इतना कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों के प्यार की वजह से ही इतना कुछ हो पाया, लेकिन दोस्तों ये इतनी आसानी से नहीं हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी झेलनी पड़ी। हो सकता है कि ये कोई छोटी प्रॉब्लम्स हो सकता है कि ये बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, जो मेरा जो वेरिफिकेशन पिन कोड होता है गूगल एडसेंस का, उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, और मैं बहुत ज़्यादा निराश हुआ था। मैं रोज़ जाता था 3-3 किलोमीटर साइकिल चला के पोस्ट ऑफिस तक, और वहाँ पे जाने पे मुझे निराशा ही मिलती थी। कम से कम 1 महीना मैं रोज़ गया
तो रोज़ जाने के कारण मेरी मेहनत सफल भी हुई। ये हुआ कि मेरे को 28वें दिन पे मेरे को गूगल एडसेंस का पिन मिल गया और मैंने पिन भर दिया और 3-4 महीने के अंदर में मेरी गूगल एडसेंस की पेमेंट आ गई। और ये पेमेंट आप लोगों के प्यार के वजह से आई है और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से आई है, और मैं आप लोगों का शुक्रगुजार रहूँगा कि आप लोगों ने मेरे चैनल को इतना प्यार दिया और इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और दोस्तों, मैं आप लोगों को वीडियोस बना के मैं आप लोगों को, मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मैं ढोलक सिखाऊँ और अच्छी से अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूँ। तो दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल पे मेरी दादी को देखा था कि वो बहुत खुश हुई थी उनकी वीडियो, और थोड़ा सा वो आपसे आप लोगों से कुछ कहना चाहती हैं, उनसे आप लोगों को मैं थोड़ा बात करवा देता हूँ। तो दोस्तों, हम अपनी दादी के पास आ चुके हैं। तो दोस्तों, मैं अपनी दादी को अपने उस जहाँ पे मैं ढोलक की वीडियोस बनाता हूँ वहाँ पे नहीं ले आ सकता, क्योंकि मेरी दादी के पैर हैं जो टूटे हुए हैं, वो नहीं चल पाएंगे और थोड़ा उस पर नहीं जा पाएंगी, मतलब। तो इस वजह से हम दादी के पास ही आए हैं और कुर्सी पे इनको बिठाया है और आप लोगों से बात कराने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मेरी दादी आप लोगों से कुछ कहना चाहती हैं, तो देखते हैं क्या कहती हैं। मेरे बाबू को सपोर्ट करो, लाइक करो, लाइक करो, मेरे बाबू को सपोर्ट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो। अगर बस और